हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं दो मुहे हो जाते हैं, या कभी कभी हमें मन करता है कि हम अपने बालों को खुद से बराबर कर लें, मतलब कट कर लें। जैसे बहुत सारे शेप होते हैं बालों को कट करने का, लेकिन क्या होता है, जो नॉर्मल शेप होती है, जो हम बाल होते हैं जो हमारे, उनको बराबर करने का कई बार ऐसा समय आता है जब हम पार्लर नहीं जा पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो हम अपने बाल हैं वो खुद से ही बराबर कर लें और कट कर लें, मतलब हमें पार्लर ना जाना पड़े। दोस्तों, इतनी इजी तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बाल हैं बहुत ही आसानी से आप अपने खुद से, मतलब अपने खुद के हाथों से जो बाल हैं वो बराबर कर पाएंगे, काट पाएंगे। और अगर आपके बाल दो मुहे भी हो गए हैं, कभी कभी बाल बहुत ज्यादा दो मुहे हो जाते हैं और फिर हमको उनको काटने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और कई बार क्या होता है, हम पार्लर जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें मतलब थोड़े से कटवाने हैं बाल, लेकिन पार्लर में क्या होता है ना, वो थोड़े ज्यादा बाल काट देते हैं, फिर हमें लगता है कि मतलब गलती हो गई पार्लर जाके। आज दोस्तों मैं इतनी आसानी से आपको बताऊंगी, जो बाल है बहुत ही इजीली तरीके से आप घर पे काट सकते हैं। उसके लिए आपको एक सीजर की जरूरत पड़ेगी एंड कुछ रबर बैंड की जरूरत पड़ेगी, और घर में आसानी से आप जो बाल है एकदम से बराबर कर पाएंगे, दो मुहे जो बाल है उनको खत्म कर पाएंगे। बहुत ही आसान विधि जो है वो आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बालों को काटते हैं, बाल जो है वो आपको कैसे बराबर करना है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से जो बाल है उनको बराबर करना है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको अपने बालों की एक दो पार्टीशन में आपको डिवाइड कर लेना है, और आपको याद रखना है बिल्कुल बीच से ही आपको मांग निकालनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप थोड़ा इधर से या उधर से कर दें, क्योंकि फिर ना कटिंग ना थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो आपको कोशिश करें कि बीच से ही आपको मांग निकालनी है कुछ इस तरीके से, और दो पार्टीशन में अपने जो बाल है वो रख लेने हैं कुछ। तो ये देखिए, जो बाल है वो हमने दो पार्टीशन में डिवाइड कर लिए हैं। पर आपने देखा होगा कि बाल हैं जो अलग अलग साइड से काटते हैं, मतलब इस तरफ के अलग काट दिए और इस तरफ के अलग काट दिए। तब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब इस तरफ के जो बाल हैं वो थोड़े से हम ज्यादा काट लेते हैं और इस तरफ के थोड़े से छोटे रह जाते हैं, फिर हम एक बार उसको कट करते हैं, इस वजह से जो बाल हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। आज दोनों तरफ से जैसे मैं बता रही हूँ, बस आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपके जो बाल हैं एकदम से बराबर कटेंगे, कोई भी पंगा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, टू पार्टीशन में बांट लेना है। अब क्या करना है, आइए देखते हैं। अब देखिए, ये जो बाल है इस तरीके से आपको ले लेना है, एकदम से टाइट लेना है इस तरीके से, और इस तरफ से दोनों तरफ से लेके आपको एकदम से टाइट बाल ऐसे करना है, और यहाँ पे एक रबर बैंड लगा लेना है। और थोड़ा नीचे आके एक रबड़ बैंड आपको और लगाना है, और याद रखें आपको टाइट रबड़ बैंड लगाना है, मतलब ऐसे नहीं करना है कि ढीला, जितना टाइट हो सके आप उतनी टाइट लगाएं रबड़ बैंड, इससे जो बाल हैं वो एकदम से बराबर कटते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है बालों में। तो ये देखिए, मैंने एक ये ऊपर लगा रखी है एंड इलास्टिक, एक ये नीचे लगा रखी है, और दोनों को मैंने बहुत ही अच्छे से टाइट कर रखा है। अब ये नीचे वाला थोड़ा सा रह गया है, तो यहाँ मैं एक छोटी सी रबड़ बैंड और लगा लेती हूँ। एक मैंने रबड़ बैंड लेके और यहाँ जस्ट नीचे यहाँ पे टक इन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने एक रबड़ बैंड लगाई है, एक यहाँ पे लगी हुई है और एक ये नीचे लगी हुई है। अब जो बालों की लेंथ है वो कुछ इस तरीके से बच रही है अभी। अब आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से काटना है कि आपको कितने छोटे बाल चाहिए और कितने आपको लंबे बाल चाहिए, और कहाँ पे आप के जो बाल है वो दो मुहे हैं उस हिसाब से। मेरे क्या है, मेरे बाल एकदम से अभी ठीक हैं, मतलब दो मुहे नहीं हैं, तो मैं जस्ट आपको दिखाने के वजह से थोड़ा सा कट जो है वो कर रही हूँ बालों में। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया एक सीजर एंड यहाँ पे मैंने अपने बाल लिए हैं, और बालों को ये देखिए मैं ज्यादा नहीं काटूंगी, बस इतना ही काटूंगी, और बस इस तरीके से आपको लेना है। आपको अपने जो बाल हैं वो एकदम से टाइट पकड़ने हैं, और बस इस तरह बस उनको मैं कट कर रही हूँ। तो मैं ज्यादा नहीं, बस ये देखिए मैं इतने जो बाल हैं वो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो बाल है वो शेप भी बहुत अच्छी आ जाएगी, और जो दो मुंह है अगर बाल भी होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं काट रही हूँ, बस इतने जो बाल हैं, लगभग मैं एक उंगली से आधा जो है वो उतने जो बाल हैं वो मैं आपको काट के दिखा रही हूँ इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। तो दोस्तों,
जो बाल हैं ये मैंने अभी कट कर दिए हैं पूरी तरीके से, एकदम से बराबर जो हैं वो बाल मैंने काट दिए हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये देखिए कोई भी इधर उधर बाल नहीं, एकदम से बराबर कट गए हैं। और अगर आपको कहीं से लगे तो आप इनको और काट सकते हैं। मैं इसको खोल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ जो बाल हैं वो कितने अच्छे से कट गए हैं। दोस्तों जो बाल हैं वो बहुत ही अच्छे से कट गए हैं, एकदम से बराबर बाल कटे हैं, कोई भी छोटे बड़े नहीं हुए हैं एंड कोई भी दिक्कत नहीं कर रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है बाल काटते टेढ़े मेढ़े कट जाते हैं, ऐसे काटते हैं अगर आपके बाल तो बहुत ही अच्छे से कटते हैं, कोई भी पंगा नहीं होता है। तो आप भी काटिए अपने बालों को और आपके जो अनुभव है वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।